तो फ्रेंड्स, अब आप यहां पर देख रहे हैं स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट VXi, और ये इसका 2016 मॉडल है। आप यहां पर देखेंगे क्या काम करवाया है गाड़ी में, सब कुछ आपको मैं 1x1 दिखाऊंगा, जो कि आफ्टर मार्केट काम हुआ है। आपके पास भी अगर VXi है या फिर कोई भी वेरिएंट है इस कार का, तो आप इसमें से बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं और बहुत सारा काम करवा सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सब दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या काम करवाया गया है। तो जिसके ऊपर सबसे पहले आपकी नज़र जा रही होगी, वो जा रही होगी इसके DRL लाइट्स के ऊपर, जो कि यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो इंस्टॉल कराई जाती है ज़्यादातर गाड़ियों में, ये यहाँ से यहाँ तक कराई जाती हैं बस। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइलिंग को ध्यान रखा गया है, जिसकी वजह से एक शेप दी गई है यहाँ पर, एक एंगल टाइप में, जो कि आपको टर्न इंडिकेटर का भी काम करती हैं और DRL लाइट्स के साथ में। और इसके नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बम्पर प्रोटेक्टर भी यहाँ पे लगाए गए हैं, जो कि सिल्वर फिनिश के साथ आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर फॉग लाइट्स के साथ में आपको मैट्रिक्स DRL लाइट्स मिल जाएंगी। तो ये आप देखेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह की लाइट है, जो कि ये भी आपको DRL का भी काम करती है और साइड इंडिकेटर का भी काम करती है। अब थोड़ा चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, और साइड प्रोफाइल में देखते हैं कि क्या काम हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे डोर वाइजर्स, जो कि इस तरह के डोर वाइजर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, और ये भी स्विफ्ट की बैजिंग के साथ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। बहुत प्यारा काम हुआ है। और अगर थोड़ा सा और नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर लोअर गार्निश का भी काम हुआ है। तो कुछ इस तरह का लोअर गार्निश आपको मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी को एक अच्छी लुक दे रहे हैं। अगेन आपको जो डोर हैंडल्स हैं, इस पर भी आपको क्रोम का काम देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह के डोर हैंडल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप के साथ भी है और एक लुक के साथ भी है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो साइड बीडिंग्स हैं, यानी कि डोर गार्ड्स जिसको बोल सकते हैं, ये मिली हैं। साइड बीडिंग आपको दो तरह की साइड बीडिंग्स आपको दिखा दूँ, ये देखिए। तो एक तो ये आपको यहाँ ऊपर की तरफ मिल जाती हैं, जो यहाँ लगाई हैं, और एक और नीचे की तरफ सिल्वर क्रोम फिनिश के साथ में है। तो ये इस तरह की साइड बीडिंग्स आपको मिल जाती हैं। तो दो तरह की आपको, इसीलिए मैं बोल रहा था कि दो तरह की साइड बीडिंग्स भी लगाई गई हैं। एलॉय व्हील्स पे भी बहुत प्यारा काम किया गया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह के एलॉय व्हील्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि आप ये देख रहे हैं अपनी यहाँ सामने स्क्रीन पे किस तरह के एलॉय व्हील्स हैं, और पूरे ब्लैक फिनिश और प्लस आपको इस यहाँ पर जो ग्रे या सिल्वर बोल सकते हैं, तो सिल्वर कलर में भी आपको ये मिल जाते हैं। गाड़ी की कलर के साथ बिल्कुल मैच करते हुए व्हील्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि गाड़ी को एक नेचुरली एक स्पोर्टी लुक दे देते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं बैक में और रियर प्रोफाइल से आपको दिखा दूं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे रियर रिफ्लेक्टर्स, ये देखिए। तो कुछ इस तरह के रिफ्लेक्टर्स हैं। वैसे ये वाला जो मॉडल है, क्योंकि ये VXi 2016 मॉडल है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो रियर रिफ्लेक्टर है, कोई भी नहीं लगाता भाई, कोई छेड़ता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये इंस्टॉल किए गए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं तो किस तरह से इसको इंस्टॉल किए गए हैं। काफ़ी अच्छी लुक के साथ आ रहे हैं, जो कि आप ये थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो कुछ इस तरह की लुक सामने निकल के आ रही है, बहुत प्यारी लुक आ रही है। उसके बाद मैं एक और चीज़ दिखा दूँ यहाँ पर आपको, जो जो डिक्की पे भी काम हुआ है, यहाँ पे डिक्की लाइनिंग पे, यहाँ पर भी आपको सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिल जाएगा। बम्पर प्रोटेक्टर यहाँ पर फिर से लगाए गए हैं, जो कि आपको सिल्वर फिनिश के साथ देखने के लिए मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी लुक के साथ में आपको ये मिल जाएंगे। कुछ इस तरह के ये बम्पर प्रोटेक्टर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेंट्स भी मिलेंगे, जो कि आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं। काफ़ी अच्छी लुक दे देते हैं गाड़ी को। थोड़ा सा मैं साइड से दिखा दूँ किस तरह की लुक आ रही है। तो ये देखिए कुछ इस तरह के जो वेंट हैं, ये यहाँ पर दिखाई देते हैं, बहुत अच्छी लुक दे देती है गाड़ी को। अब चलते हैं अंदर, अब अंदर देखते हैं भाई काम। आपको अंदर दिखा दूँ तो आपकी नज़र जाएगी यहाँ पे सबसे पहले ATM लाइट्स पे, जो कि मूड बना सकती है आपका, बहुत अच्छा मूड कर सकती है। ये देखिए, ये रही इसकी LED लाइट्स, और ये मूड लाइटिंग है। आप चाहो तो इसको रिमोटली आप इसको कलर को चेंज कर सकते हो। तो मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करती है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ये देखिए, अब
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपनी मूड लाइटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, रिमोटली आप चेंज कर सकते हैं, ये रहा इसका रिमोट, और अपने मूड के अकॉर्डिंग आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं। बहुत प्यारी लुक इसमें आ रही है। तो एक तो ये है एम्बिएंट आपको इसमें जो मिल जाती है एटीएम लाइट, ये इस तरह की है। दूसरा यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट भी देखने के लिए मिलेगी जो कि आपको चारों डोर्स पे देखने के लिए मिलेंगी, और ये भी आप रिमोटली चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी कलर अभी आपको चेंज करके दिखाते हैं। ये देखिए, तो कुछ इस तरह की जो लाइटिंग इफेक्ट है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अभी क्या है कि वैसे तो डैश पे भी लगाया गया है, लेकिन इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि भाई तिवारी जी की दुकान से बहुत ज़्यादा लाइटिंग आ रही है। चलो अब ये लाइट मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन हमें पहले मैं सीट्स पे काम दिखा दूं आपको। तो सीट में जो आप देखेंगे यहाँ पे बकेट फिटमेंट सीट्स लगाई गई हैं, सीट कवर लगाए गए हैं, बहुत प्यारी लुक के साथ में लगाई गई हैं। अभी मैं इस वाली सीट पे बैठा हूँ, ड्राइवर सीट पे तो अभी नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 7D डायमंड कट आपको मैट्स देखने के मिल जाते हैं, कुछ ऐसे लुक के साथ ही आते हैं। देखिए आप कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये कैसी लग रही है। भाई मुझे तो पर्सनली बहुत प्यारा काम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये रही इसकी फ्रंट की जो सीट्स हैं स्विफ्ट की बैजिंग के साथ में, और बकेट फिटमेंट सीट्स के साथ है, तो बहुत प्यारी लुक आ रही है। अभी मैं बैठा था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं। और अगली आइटम है यहाँ पर आर्मरेस्ट, दिखाऊंगा आपको। तो ये कुछ इस तरह का आर्मरेस्ट है, ये देखिए कुछ अलग सा है, आप इसमें अपना कुछ सामान भी स्टोर कर सकते हो। अब ये देखिए रूफ में भी, गाड़ी के रूफ आपको दिखा दूँ, गाड़ी के रूफ में भी काम कराया गया है। तो यहाँ पर इसको रूफ रैपिंग कराई गई है, बहुत प्यारी लुक के साथ में है ये, आप देखेंगे, ये देखिए। और इसके साथ ही यहाँ पर भी, यानी कि जो पिलर्स हैं इस पे भी ब्लैक इंटीरियर किया गया है, जो कि इस गाड़ी की थीम को पूरा सूट करती है।